పాకిస్తాన్తో శాంతి చర్చలు జరపడానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం అనలేదని విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ అన్నారు. బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. అయితే తీవ్రవాదము, చర్చలు పరస్పరం ఒకేసారి కొనసాగలేవన్నారు. పాక్ తీవ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడం మానుకోవాలని సుష్మా హితవు పలికారు. అప్పుడే చర్చలపై స్పందిస్తామని తెలిపారు. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. वो जरूर नागरिक आपके हैं लेकिन काम हमारे लिए कर रहे थे. हम इसलिए पूरी तरह से इनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि इनको निकाल कर देंगे. जो आपने बात फैमिलीज के बारे में की है, मैं कंपनी के मालिक से रोज बात करती हूँ. अलग अलग छह परिवारों से मैंने बात नहीं की लेकिन हर्ष गोयनका से, जिनके वो कर्मचारी हैं, उनसे मैंने लगातार बात की है. जब जब मेरी विदेश मंत्री से बात हुई वो भी अपडेट मैं देती हूँ और जितना अपडेट दिया जा सकता है वो मैं देती हूँ. बाकी जो आपने बात की, बहुत अच्छा हुआ आपने कैवियट लगाया कि यदि आप बता सकती हैं तो. आप ये जानते हैं कि इन ऑपरेशंस में गोपनीयता ही सबसे बड़ा सक्सेस देती है. अगर इनकी गोपनीयता भंग हो जाए तो सफलता के आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है. तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये विवश न करें कि मैं ये बताऊं कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है. लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि कंपनी के मालिक से भी इन टच हूँ और अफगानिस्तान की अथॉरिटीज से भी संपर्क में हूँ. जहां तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, चाइना में राष्ट्रपति शी ने ये ऑफर प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा कि हम चाइना और अफगानिस्तान अगर इकट्ठे प्रोजेक्ट करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया क्योंकि हम अफगानिस्तान में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम पहले से कर रहे हैं. वहां की संसद का भवन हमने बनाया, वहां का सलमा डैम हमने बनाया जिसको हमने बाद में अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम नाम रख करके लोकार्पित किया. और आपको यह भी बता दूं कि पिछली बार जब मेरी विदेश मंत्री अफगानिस्तान के साथ बात हुई थी तो हमने 116 स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी तय किए थे जो उनके 31 प्रोविंसेस में होने हैं. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो सीधे लोगों को लाभ देते हैं. तो अगर चाइना और अफगानिस्तान चाइना और भारत मिलकर अगर अफगानिस्तान में काम करेंगे तो काम दोगुना तिगुना होगा. कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में अगर कोई भी साथ देता है या ऑफर करता है सहयोग की तो हम स्वीकार करते हैं. लेकिन आपका यह कहना कि दोनों देश पाकिस्तान के साथ भी हैं, तो बहुत से देश हैं जो पाकिस्तान के साथ भी बात करते हैं और हमारे साथ भी बात करते हैं क्योंकि हर सॉवरन देश अपनी स्वतंत्र नीति बनाने के लिए आजाद है. हमारे साथ संबंध अच्छे हैं इसलिए पाकिस्तान के साथ वो संबंध न रखें, या पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं हमारे साथ संबंध न रखें, ये तो नहीं होता. सऊदी अरब के बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ बहुत घनिष्ठ संबंध बन गए हैं. यूएई के बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं. टर्की के बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, उसके बावजूद टर्की के राष्ट्रपति यहां आए. तो स्वतंत्र नीतियां बनती हैं. कभी भी एक दूसरे देश के साथ ये नहीं कि उसके साथ अगर संबंध अच्छे तो हमारी बोलचाल खत्म, ये डिप्लोमेसी में कभी नहीं होता. मुकेश कौशिक. मैम, मैं मुकेश कौशिक हूं दैनिक भास्कर से. मैम, चार साल की आपकी सरकार पूरे होने पर कांग्रेस ने 40 विश्वासघात गिनाए और उसमें चार विश्वासघात आपके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं. पहला ये कि आपने पाकिस्तान की नीति पर फ्लिप फ्लॉप किया और एक तरह से देश के साथ खिलवाड़ किया. दूसरा ये कि रूस के साथ 70 साल की टाइम टेस्टेड जो दोस्ती थी उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान को हथियार बेचने लग गया. तीसरा ये कि चाइना के साथ आपने डोकलाम में उनको बैठने दिया और फिर उसके साथ कमजोरी दिखाई. चौथा ये कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो पीएमओ में शिफ्ट हो गई, आपके पास सिर्फ ट्विटर हैंडल रह गया. क्या कहना है आपका? मुकेश जी, आपने बड़ी यानी चतुराई से चार क्वेश्चन डाल दिए. महमूद नवाज, इसका तो मेरे ख्याल से सबसे रिलेटेड ही ये सवाल. सुषमा जी, ये सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर है. पूरी दुनिया के नुमाइंदे वहां जाते रहते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए. तो क्या आपको ये लगता है कि ये संघ जो बनाया गया था क्या उस मकसद को पूरा कर पाया है, और अगर ये जरूरत है कि इसको और मजबूत बनाया जाए तो उसके लिए हमने क्या पहल की है, भारत ने क्या पहल की है? यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड और कोई सवाल? मैम, दो आप जब दे दें फिर आप आगे ले लेते हैं. नहीं मैम, हाँ तो मैम उनका तो दो चार सवाल थे, चारों का जवाब दे दीजिए मैम. आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते मुझसे सवाल पूछे हैं मगर मैं चारों के, अच्छा हुआ, नहीं बहुत अच्छा हुआ,
मुझे मंच दे दिया आपने उनका जवाब देने के लिए, मैं तो धन्यवादी हूँ आपकी। और क्योंकि रवीश जी ने चार की सीमा रखी हुई है सप्लीमेंट्री में, तो मैं आप पहले उन चारों का जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल, आपने कहा कि पाकिस्तान पे फ्लिप फ्लॉप नीति हमारी है। अभी आपके सामने कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान बात करना चाहता, पाकिस्तान बात करना चाहता। पाकिस्तान क्यों बात करना चाहता? क्योंकि भारत की विदेश नीति की सफलता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग कर दिया गया है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी की पूरी उस पर दबाव बना रही है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की सफलता है बहुत बड़ी कि आज पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए कि वो आतंकवाद छोड़े। इसलिए कांग्रेस उस तरफ देखे, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है मुझे तो नहीं दिखाई देता। जहां तक दूसरा सवाल आपने कहा रूस के बारे में, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि केवल सोची की इन्फॉर्मल समिट के विजुअल्स देख लें, कितना दूर हुए हैं रूस से हम। इन्फॉर्मल समिट के लिए अगर राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति मोदी को बुलाते हैं, उनके पास समय की कमी होने के बावजूद भी वो उस निमंत्रण को स्वीकार करके सुबह जाकर शाम को वापस लौटते हैं, इसके बाद ये कहना कि हमने रूस को दूर कर दिया, ये सत्य को झुठलाना है, सत्य से आंखें मीचना है। तीसरा जो आपने कहा डोकलम, डोकलम उनका ऑब्सेशन बन गया है।